शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश से वंचित छात्र छात्राओं ने एबीवीपी के बैनर तले सोमवार को प्राचार्य का घेराव किया। इस दौरान उनके साथ जमकर नोकझोंक भी हुई। छात्र नेताओं ने बीए प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए प्रवेश प्रक्रिया चलाए जाने की मांग दोहराई। कहा कि मामले में अब तक कोई निर्णय नहीं लिए जाने के कारण हजारों छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। अधिकांश युवा वीवी का पोर्टल बंद होने के कारण प्रवेश के लिए आवेदन नहीं कर सके हैं। प्रभारी प्राचार्य ने छात्रों को समझाने की कोशिश की, लेकिन कुछ छात्र उग्र हो गए। हालांकि बाद में मामला शांत कराया गया। प्राचार्य ने छात्रों को जन भागीदारी में 10% सीट बढ़ाने का आश्वासन दिया। उन्होंने साफ कहा कि वे प्लेन विषय में सीट नहीं बढ़ा सकते। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। स्नातकोत्तर महाविद्यालय खरगोन जिले का अग्रणी महाविद्यालय और खरगोन जिला जनजाति बाहुल्य क्षेत्र और यहाँ पर सभी प्रतिभावान छात्र छात्राएं अध्ययनरत करते, परंतु महाविद्यालय में सीटों की संख्या कम होने के कारण यहाँ के विद्यार्थी प्रवेश से वंचित रह जाते और इसी छात्र को ध्यान में रखते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्राचार्य महोदय से मांग कर रही है कि यहाँ पर सीटों की वृद्धि की जाए। पिछली बार भी 2 बार विद्यार्थी परिषद ने प्राचार्य शिक्षा मंत्री को अवगत करा चुके हैं, परंतु अभी तक कोई निर्णय नहीं आया है। अभी लगभग यहाँ महाविद्यालय के 5,000 से अधिक छात्र प्रवेश प्रक्रिया से वंचित रहे। विद्यार्थी परिषद के यही मांग है कि यहाँ पर सीटें बढ़ाई जाए और जो वंचित विद्यार्थी है उनको एडमिशन दिया जाए। प्राचार्य कक्ष का घेराव कर लिया है। जब तक सीट की वृद्धि नहीं होगी तब तक हम यहाँ से हटेंगे। अभी तक जन भागीदारी समिति से भी सीट की कोई वृद्धि नहीं हुई है। प्राचार्य घेराव जारी रहेगा। प्राचार्य घेराव जारी रहेगा, जब तक सीट वृद्धि नहीं होगी तब तक जारी रहेगा। उसके बाद भी विद्यार्थी परिषद चरणबद्ध आंदोलन करेगी। कॉलेज प्रशासन तो कह रहे सीटें बढ़ गई है। नहीं, अभी तक कोई भी सीटें नहीं बढ़ी। क्या नाम है? बंडी मालवी जिला से। सर, ये एडमिशन को लेकर आपका कक्ष का घेराव भी क्या आपका भी घेराव किया है, क्या मांग है सर इनकी और क्यों नहीं पूरी हो रही? एडमिशन की प्रक्रिया जो है शासन द्वारा निर्धारित होती है। जो सीटों की संख्या का निर्धारण होता है वो मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग भोपाल के द्वारा होता है। उसमें प्राचार्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। चूँकि यहाँ पर इस वर्ष जो है वो कोविड के कारण से या रिजल्ट की जो प्रक्रिया रही उसमें 100% बच्चे जो है वो पास हुए, तो स्वाभाविक है कि कुछ सीटों का जो है वो कमी होना एक सामान्य प्रक्रिया है। राज्य शासन द्वारा हर वर्ष लगभग हर वर्ष जो है सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव जो है वो आता है, प्राचार्य को अधिकृत किया जाता है। इस वर्ष में प्राचार्य को किसी प्रकार का कोई अधिकृत नहीं किया गया, तो कोई पत्र शासन का हमें प्राप्त नहीं हुआ है। छात्रों की मांग है, छात्रों की मांग जो भी समय समय पर हमें प्राप्त हुई है वो हमने शासन को प्रेषित की है। आज भी हमने शासन को मांग प्रेषित की है और उस पर प्रक्रिया हमारी निरंतर जो है वो शासन से बातचीत हो रही है और मुझे उम्मीद है कि इसका कुछ ना कुछ निराकरण जल्द। कितने विद्यार्थी सर वंचित हो रहे? विद्यार्थी जहाँ तक वंचित होने की बात है एग्जैक्ट फिगर तो नहीं मैं बता सकता, लेकिन करीब करीब 500-600 बच्चे ऐसे होंगे जो इस प्रवेश प्रक्रिया से वंचित होने की संभावना। डिमांड भेजी थी कब? डिमांड भेजी है हमने, 29 तारीख को भी भेजी है, 30 को भी भेजी है और आज भी भेजी है। परिषद से जुड़े छात्र छात्राओं को कहना है कि जब तक वो हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम यहाँ से हटेंगे नहीं। जो मेरे अधिकार क्षेत्र की बातें नहीं है उसके लिए मैं क्या कह सकता हूँ? ये तो आप उन्हीं से पूछिए कि जो मेरे अधिकार में है, वो यदि मैं नहीं कर रहा हूँ तो आप बताइए। अब क्या प्रोसीजर है? प्रोसीजर यही है कि शासन से बात चल रही है, माननीय कलेक्टर महोदय से भी मुझे मिलना है, जा करके संदर्भ में उनसे भी चर्चा करना है और जो भी प्रशासकीय स्तर पर जो हो सकता होगा निश्चित तौर पर कर लिया। एडमिशन के कारण कॉलेज प्रशासन कॉलेज परिसर जो है राजनीति का अखाड़ा बन गया है, कभी NSUI कर रही है कभी ABVP कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? ये इस मामले में क्या कहूँगा, ये तो उन लोगों का सोच है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।